हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं और ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि कानपुर में कल रात से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से वाईफाई भी चला गया और पावर कनेक्शन तो आ ही नहीं रहा, पावर नहीं आ रहा तो वाईफाई भी चला गया, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को मिलने में आपको देरी हो सकती है, ठीक है। मुझे नहीं पता वाईफाई कब तक वापस आएगा, जब वापस आएगा तब मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अगर आप मुझे अभी तक मेरे बारे में नहीं जानते तो आप यहां पे पढ़ सकते हैं। और अगर आपने अभी भी फेसबुक पे फॉलो मुझे नहीं किया है तो फेसबुक पे सर्च कीजिए @trivedi_aman25, इससे आपको मेरा फेसबुक पेज मिल जाएगा और वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि फेसबुक पे मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करता रहता हूँ। काफ़ी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं फेसबुक पे शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पे नहीं करता। तो फेसबुक पेज को जरूर से लाइक कर लीजिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ टेलीग्राम पर सर्च करना है @AmanTrivedi, जहां से आपको मेरे PDF मिल जाएंगे और बाकी PDF अब आपको मेरी वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, जो है आपको सिर्फ देखना है, लॉगिन करना है amantrivedi.com, आपको PDF वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको लिंक दे देता हूं मैं। अदरवाइज आप amantrivedi.com ओपन करके भी हर वीडियो का PDF आपको वहां पर मिल जाता है। चलिए, इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करना है। उसके बाद चार ऑप्शन है आपको। अगर आप ईयरली पैकेज लेते हैं तो वो 5,000 रुपये का है और अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो 10% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। उसके बाद आपके पास कुछ क्रेडिट्स होंगे उसको भी लगाएंगे तो 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। तो टोटल आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है और ये सब्सक्रिप्शन आपको 4,000 रुपये तक में मिल सकता है। आपके ईयरली सब्सक्रिप्शन, एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको 4,000 रुपये तक में मिल जाएगा। और उसके बाद अभी मेरा फिलहाल ये कोर्स चल रहा है जो कि 12 जून को शुरू हुआ था, जिसमें आपको मैं Tier 2 या फिर 2019 की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही मददगार है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज के न्यूज़पेपर से। एंड हमारा आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें बजट का काफ़ी चर्चा है, क्योंकि बजट कल हमारा अनाउंस हुआ है, बजट से रिलेटेड ही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो शुरू करें, कहते हैं आधार कैन बी इंटरचेंज विद पैन टू फाइल आईटी रिटर्न्स। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, देखिए रिटर्न्स क्या लिखा है यहाँ पर, तो ध्यान देना यहाँ पर एक छोटी सी बात ये कि रिटर्न जो होता है, आपको पता है रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, ठीक है। और जो आईटी रिटर्न होता है वो होता है आपका आईटी रिटर्न, ठीक है, वो होता है वापस आना। और आईटी रिटर्न होता है, रिटर्न्स बोलते हैं उसे, ठीक है, दैट इज़ रिटर्न्स। रिटर्न्स का मतलब होता है ये आईटी जो टैक्स से रिलेटेड होता है इसे रिटर्न्स ही कहा जाता है। तो रिटर्न्स को जरूर ध्यान दीजिए आपका जो भी लिखा गया है। चलो अगला यहाँ पर लिखते हैं 70,000 करोड़ टू बी इन्फ्यूज्ड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो जानते हैं इन्फ्यूज का मतलब क्या है। देखिए इन्फ्यूज़ का मतलब होता है पैसा लगाना, यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में करीब 70,000 करोड़ रुपए को इन्फ्यूज़ किया गया है, यानी कि उसे उसमें इन्फ्यूज़ किया गया है, वहाँ पर पंप इन किया गया है। तो इन्फ्यूज़ का मतलब हो जाता है आपका किसी में पैसा लगाना, किसी कंपनी में पैसा लगाना, किसी वेंचर में पैसा लगाना, उसके लिए आता है आपका इन्फ्यूज़। और क्या क्या टर्म्स इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, तो वो होता है आपका पंप इन करना, या फिर आपका पार्क करना, इंजेक्ट करना, या फिर पावर करना। इनके लिए आपका जो टर्म है फंड इस्तेमाल होता है, यानी कि इन्फ्यूज़, पंप इन, पार्क, इंजेक्ट और पावर फंड के लिए यूज़ होगा। यानी कि किसी में पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप इनमें से कोई एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके दिमाग में नॉलेज को इन्फ्यूज़ करना हो, आपके दिमाग में मुझे नॉलेज को भरना हो, तब मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं लिखूँगा इंस्टिल करना, इनकलकेट करना, इम्पार्ट करना। या इम्पार्ट किसको करोगे, नॉलेज, इंस्टिल, इनकलकेट और इम्पार्ट। क्या करोगे आप, नॉलेज को इंस्टिल, इनकलकेट और इम्पार्ट करोगे, ओके। और मान लीजिए ये हो गया, अगर आप मान लीजिए नॉलेज ग्रहण कर रहे हो आप सभी लोग, मैं आपके दिमाग में क्या कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू इंस्टिल द नॉलेज इन योर हेड, ठीक है। और आप लोग क्या कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू एसिमिलेट द नॉवल नॉलेज, इम्बाइब द नॉलेज, अब्जॉर्ब द नॉलेज। तो एसिमिलेट, इम्बाइब और अब्जॉर्ब का मतलब हो गया ग्रहण करना या फिर अब्जॉर्ब करने के सेंस में इस्तेमाल होता है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, इन्फ्यूज मतलब पंप इन टू, पार्क, इंजेक्ट और पावर फंड, इंस्टिल, इनकलकेट, इम्पार्ट नॉलेज करते हैं, एसिमिलेट, इम्बाइब और अब्जॉर्ब भी आप नॉलेज के लिए करते हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं, देखिए लिखते हैं निर्मलाज मेड इन बजट इज ऑल अबाउट इंक्रीमेंटल मेजर्स। तो मेड इन बजट की बात कर रहे हैं, मेड इन का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। देखिए मेड इन के तीन मतलब होते हैं आपके। पहला मतलब मेड इन का होता है फर्स्ट, यानी कि पहला। तो निर्मला सीतारमण का ये पहला बजट है, फर्स्ट बजट है, इसलिए मेड इन इस्तेमाल किया गया। दूसरा मेड इन क्या होता है आपका, मेड इन ओवर, जैसे आप लोग क्रिकेट में देखते हो जिसमें कोई भी रन नहीं बनता, एक तो वो मेड इन होता है। तीसरा मेड इन क्या होता है, तीसरा मेड इन होता है आपका मेड इन या फिर स्पिनस्टर का मतलब होता है फीमेल हु इज नॉट मैरिड। तो यानी कि कुंवारी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है आपका मेड इन या फिर स्पिनस्टर, ये दोनों आपके कुंवारी लड़की के लिए इस्तेमाल होगा, मेड इन या फिर स्पिनस्टर। तो मेड इन के मैंने तीन मतलब आपको बताए, एक होता है फर्स्ट पहला, दूसरा मेड इन ओवर, तीसरा आपका मेड इन स्पिनस्टर। अब देखो मेड इन जाना है तो बैचलर भी जान लेते हैं क्या मतलब होता है बैचलर का। बैचलर या फिर सेलिब्रेट का मतलब होता है मेल बॉय हु इज नॉट मैरिड, ठीक है, बॉय हु इज नॉट मैरिड उसके लिए आएगा बैचलर या फिर सेलिब्रेट, ठीक। अगली देखो यहां पर बात करते हैं, सीताराम येचुरी ने कहा है कि द एग्रेरियन डिस्ट्रेस इज नॉट एड्रेस्ड। एग्रेरियन डिस्ट्रेस इज नॉट एड्रेस्ड का मतलब क्या हो गया, एग्रेरियन मतलब होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऑफ और रिलेटिंग टू फार्म्स एंड फार्मिंग, यानी कि फार्म्स या फिर फार्मिंग से रिलेटेड जो है, किसानों से रिलेटेड जो है उसे कहते हैं एग्रेरियन, ठीक है, किसानों से रिलेटेड जो है उसे हम कहते हैं एग्रेरियन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर कहता है इट इज़ रेप्लीट विद ऑर्नेट प्रोनाउंसमेंट। ऑर्नेट मतलब बहुत ही शोई, बहुत ही दिखावा तो काफ़ी किया गया है, बातें तो काफ़ी की गई हैं, बट एक्चुअल मेजर्स उन्होंने कहा नहीं लिए हैं। तो रेप्लीट विद इस्तेमाल होता है, पहले तो ये ध्यान दो। उसके अलावा रेप्लीट का मतलब क्या होता है, हैविंग मच और प्लेंटी ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की हैव मतलब बहुत ज़्यादा, कहें कि ये जो पूरा बजट था ये पूरी तरीके से भरा हुआ था ऑर्नेट प्रोनाउंसमेंट से, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं बट वो उतनी अच्छी है नहीं, इनका कहने का मतलब है। तो सिनोनिम्स आपके क्या हो जाते हैं, फुल, ग्रॉस, लार्ज, यहाँ पर ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, फ्लैशी, कॉपुलेंट, ब्लबरी, राउंड या फिर टबी या फिर प्लम्प, ये सारे इसके आपके सिनोनिम्स हो जाते हैं। फुल ग्रॉस, फुल ग्रॉस, फ्लैशी, फुल ग्रॉस, फ्लैशी, कॉर्पुलेंट, ब्लबरी या फिर आपके टबी या फिर प्लम्प, ठीक है, ये सारे आपके इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं आपके, यू शुड नोट देम डाउन। एंड दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ लार्डी एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ की अधिकता होना, बहुत अधिक संख्या में कुछ होने के सेंस में ये इस्तेमाल होता है। तो यू कैन नोट देम डाउन। तो रिपीट मतलब फुल ऑफ या ग्रॉस ऑफ या फ्लैश, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक। अगली देखो यहाँ पर एक इन्होंने हेडिंग लिखी हुई है, नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फ्रॉम द पास्ट, नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फ्रॉम द पास्ट। तो यहाँ पर इसका मतलब है जो ब्रीफ केस पहले लाते थे पास्ट में वो नहीं लाए हैं, इस बार इन्होंने रेड क्लोथ में ये लेकर आई हैं बजट, तो ये इन्होंने कहा है। तो नॉट होल्डिंग अ ब्रीफ फ्रॉम द पास्ट का मतलब क्या है, होल्ड नो ब्रीफ फॉर समबडी और समथिंग, क्या मीनिंग है, से आपका सेंटेंस लिखा गया है होल्ड नो ब्रीफ फॉर समबडी और समथिंग, क्या मतलब हुआ, टू नॉट सपोर्ट और बी इन फेवर ऑफ समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के सपोर्ट और फेवर में नहीं होना, ठीक है, जैसे कि आई डू नॉट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर समबडी फॉर दिस थिंग। तो मेरा कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई होल्ड नो ब्रीफ फॉर ईदर साइड इन दिस वॉर, यानी कि मैं ना इस वॉर में ना ही इस साइड में हूँ ना ही इस साइड में हूँ, दोनों ही साइड के फेवर में नहीं हूँ। तो होल्ड नो ब्रीफ फॉर समबडी और समथिंग का मतलब हो गया किसी के फेवर में नहीं होना, ठीक। अगले पे आते हैं, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने साइलेंस ऑन ग्रांट्स रेजेज आईब्रोज, क्या लिखा है इन्होंने, साइलेंस ऑन ग्रांट्स रेजेज आईब्रोज, यानी कि जो साइलेंस है ग्रांट्स पे वो क्या कर रही है, आईब्रोज को रेज कर रही है। तो जानते हैं रेज एंड आईब्रोज का मतलब क्या होता है, कि दर रेज योर आईब्रोज एट समथिंग, क्या मतलब है रेज योर आईब्रोज एट समथिंग का, मतलब हो जाता है टू शो, यहाँ पर SH कर लो, टू शो दैट यू डिसअप्रूव ऑफ और आर सरप्राइज्ड बाई समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ से बहुत अधिक सरप्राइज्ड हो या फिर आप किसी चीज़ को डिसअप्रूव करते हो, यानी कि आप उसे खारिज करते हो, उसे कहते हैं रेज योर आईब्रोज, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आईब्रोज वर रेज्ड व्हेन ही अराइव्ड विदाउट हिज वाइफ, यानी कि जब वो अपनी वाइफ के बिना आया तो उसकी इस हरकत पे आईब्रोज वर रेज्ड, यानी कि सभी लोग सरप्राइज थे, सभी लोग आश्चर्यचकित थे। तो आईब्रोज वर रेज्ड का मतलब हो गया आश्चर्यचकित होना या किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, ठीक। दूसरा आईब्रो से रिलेटेड idiom क्या होता है हमारा, जो इस अखबार में नहीं लिखा है लेकिन हम उसे जानेंगे, मतलब लिखा है टू बी अप टू योर आईब्रोज इन समथिंग, बी अप टू योर आईब्रोज इन समथिंग, यानी कि बी अप टू योर आईब्रोज इन समथिंग का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये आप हो, ठीक है, मान लेते हैं आप ये हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, और ये आपके
यहाँ पर हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी ये आंखें हैं, ये आंखें, अब ये आपकी आईब्रोज हैं, ठीक है। तो आप ना एकदम आईब्रोज तक भरे हो, इतना काम है कि एकदम यहाँ तक आपके किताबें रखी हुई, यहाँ तक आप एकदम भरे हुए हो। तो ये क्या हो गया, मतलब टू बी अप टू योर आईब्रोज इन समथिंग का मतलब हो गया टू हैव अ लॉट ऑफ समथिंग टू डील विथ, किसी चीज की बहुत ज्यादा होना, अधिकता बहुत ज्यादा होना। फॉर एग्जाम्पल ही इज इन अप टू हिज आईब्रोज, मतलब क्या हुआ, यानी कि वो एकदम आईब्रोज तक भरा हुआ है, पूरी तरीके से वो व्यस्त है, बिजी है, ठीक है। तो बी अप टू योर आईब्रोज का मतलब हो गया पूरी तरीके से बिजी होना या पूरी तरीके से भरा होना उस किसी चीज से, ठीक। अब देखो यहां पर लिखते हैं पॉलिटिकल मैसेजिंग गाइड्स बजट्स वेलफेयर फोकस हाइक इन फंड्स फॉर वुमेन SC/ST पॉइंट्स टू गवर्नमेंट्स प्रायोरिटीज। तो हाइक की बात करते हैं यहां पर, हाइक कल भी इस्तेमाल हुआ था और ये रोज आता है हाइक वर्ड न्यूज़पेपर में, तो हाइक से रिलेटेड मीनिंग्स जान लेते हैं कितने भी आपके हैं। हाइक आपका नाउन भी है और वर्ब भी है, दो मतलब होते हैं इसके। एक मतलब होता है एक लॉन्ग वॉक इन द कंट्री, ठीक है, कहीं पर लॉन्ग चल के जाना, हाइकिंग पर जाना या ट्रैकिंग पे जाना। दूसरा हाइक का मतलब हो जाता है लार्ज और सडन इंक्रीज इन समथिंग और कॉस्ट, किसी चीज के प्राइस में अचानक से बहुत ज्यादा तेजी, बहुत ज्यादा कॉस्ट का बढ़ना, क्या कहलाता है, हाइक करना, ठीक है, कीमतों का बढ़ने के सेंस में आता है। ये तो हो गया हाइक। दूसरा हाइक अगर हम इडियम के तरह से इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अ रूड वे ऑफ टेलिंग समबडी और समथिंग टू गो अवे, यानी कि कहते ना कि चलो ठीक है यहाँ से निकलो, तो वो जो कहने का सेंस है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं टेक अ हाइक। तो टेक अ हाइक का मतलब हो गया रूड वे ऑफ टेलिंग समबडी और समथिंग समबडी टू गो अवे, किसी को जाने के लिए मना करना, क्या कहलाता है, टेक अ हाइक। टेक अ हाइक मतलब हो गया रूड वे ऑफ टेलिंग समबडी टू गो अवे, किसी को जाने के लिए कहना। और देखिए हाइक का मतलब क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कहा हाइक समथिंग अप, मतलब क्या हुआ, टू पुल और लिफ्ट समथिंग अप स्पेशली योर क्लोदिंग और क्लोदिंग हिच, ठीक है, यानी कि कपड़े वगैरह को जैसे आप पैंट को ऊपर खींचते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हाइक समथिंग अप। फॉर एग्जाम्पल शी हाइक्ड अप हर स्कर्ट एंड वेडेड इन टू द रिवर, तो हाइक अप मतलब ऊपर की तरफ चढ़ाने के सेंस में आता है, ठीक। एक तो ये हो गया, इसके अलावा देखिए यहाँ पर लिखते हैं HC ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब अप्रूव करना या किसी को पारित कर देना, किसी को दे देना। ग्रांट्स 30 days ऑफ ऑर्डिनरी लीव टू राजीव केस कन्विक्ट नलिनी, शी अपियर्स इन कोर्ट एंड मेक्स अ फर्वेंट प्ली फॉर अ पैरोल। तो फर्वेंट प्ली का मतलब क्या है, फर्वेंट का मतलब हो जाता है, फर्वेंट इज एन एडजेक्टिव और मतलब हो गया फेल्ट वेरी स्ट्रांगली, बहुत ही बलपूर्वक, बहुत ज़्यादा किसी फोर्सफुल तरीके से कहना, ठीक है। हैविंग और शोइंग स्ट्रांग फीलिंग अबाउट समथिंग, ठीक है, हैविंग और शोइंग स्ट्रांग फीलिंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड फर्वेंट। तो फर्वेंट का मतलब हो गया फेल्ट वेरी स्ट्रांगली और हैविंग और शोइंग स्ट्रांग फीलिंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड फर्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा आर्डेंट, ब्लेजिंग, बर्निंग, फर्विड, फेवरिश, फायरी, फ्लेमिंग, हॉट ब्लडेड, इम्पैशन्ड, सुपर हीटेड एंड वेमेंट, मतलब बलपूर्वक अपनी बात को कहना और बहुत ही फोर्सफुली तरीके से कहना, उसे कहते हैं फर्वेंट, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्ड करते करते लाइट आ भी गई है, पावर आ भी गया, तो अभी वीडियो जैसे ही हम एंड करेंगे तो मैं आपको जल्दी से अपलोड भी कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर लिखते हैं डेफियंट स्टांस, डेफियंट स्टांस, तो ये जानते हैं डेफियंट का मतलब क्या है। डेफियंट का मतलब होता है ओपनली रिफ्यूजिंग टू ओबे समबडी और समथिंग समटाइम्स इन एन एग्रेसिव वे, तो किसी को पब्लिकली कह देना कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी बात, तो उसे कहेंगे डेफियंट। फॉर एग्जाम्पल अ डेफियंट टीनेजर, अ टेररिस्ट सेंट अ डेफियंट मैसेज टू द गवर्नमेंट, यानी कि ओपनली इस बात को कहना कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, ओपनली किसी का विरोध करना, क्या कहलाता है, डेफियंट। और स्टांस का मतलब क्या होता है, द ओपिनियंस दैट समबडी हैज अबाउट समथिंग एंड एक्सप्रेस पब्लिकली, यानी कि ओपिनियंस जो किसी के बारे में होते हैं और उन्हें वो पब्लिकली एक्सप्रेस कर रहा है, तो पोजीशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, यानी कि ये जो हैं आपके वाइफ को, इन्हें 1 साल का जेल हो गया है फॉर सेडिशन, यानी कि देशद्रोह के मुकदमे में, और डेफियंट स्टांस तो इनके लिए कहा गया है क्योंकि ये ओपनली अपोज कर रहे हैं, और इनका जो स्टांस मतलब इनका टेक जो है उस पर वो बात कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं, ये आपका आज का अखबार, इसमें ज़्यादातर आपकी बातें जो हैं न्यूज़पेपर में, आपकी ज़्यादातर चीज़ें बजट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ लिखते हैं पेट्रोल डीजल लेवीज हाइक्ड बाई 2 rupees पर लीटर। देखो हाइक मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत बार इस्तेमाल होगा, हाइक मतलब बढ़ाना, तो लेवीज जो है वो 2 rupees प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, काफ़ी होता है 2 rupees वैसे। लेवी के 2 मतलब हैं, एक होता है नाउन, दूसरा होता है वर्ब। लेवी आपके 2 है, मतलब लेवी का पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 हैं, एक है नाउन एक है वर्ब।
अब लेवी का एक मतलब क्या है? एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी पेड स्पेशली एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज टू बी पेड स्पेशली एज अ टैक्स टू द गवर्नमेंट। सरकार को टैक्स के रूप में जो एक्स्ट्रा अमाउंट दी जाती है उसे हम कहते हैं लेवी। जैसे कि यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया, तो लेवीज हमने उसके लिए इस्तेमाल कर लिया। अब लेवी का दूसरा मतलब क्या होता है, वर्ब के रूप में टू यूज ऑफिशियल अथॉरिटी टू डिमांड और कलेक्ट टैक्स, यानी कि सरकार के द्वारा टैक्स लगाए जाने के लिए भी लेवी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के आप यहाँ से सिनोनिम्स याद रख लो सारे के सारे, इम्पोज करना मतलब बलपूर्वक लागू करना, लेवी करना, क्लैम्प डाउन करना, एनफोर्स करना, एंजॉइन करना या फिर स्लैप करना, इन सभी का मतलब होता है बलपूर्वक लागू करना। आपका उसी सेंस में आता है कि इम्पोज कर रहे हो किसी पे, लेवी कर रहे हो, क्लैम्प डाउन कर रहे हो, एनफोर्स कर रहे हो, एंजॉइन कर रहे हो, स्लैप कर रहे हो, बलपूर्वक लागू करने के सेंस में ये सारे के सारे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इम्पोज करना, लेवी, क्लैम्प डाउन, एनफोर्स, एंजॉइन एंड स्लैप मतलब हो गया फोर्सफुल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, चलिए तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर हो गए। इसके अलावा आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा ये वाला जो पेज है यहाँ पर लिखते हैं MSMEs hail move to raise corporate tax limit। तो उन्होंने क्या किया है, hail किया है। अब hail के सारे मीनिंग जानते हैं। देखो मैंने ऊपर अभी आपको क्या बताया, मैंने कहा ना इम्पोज, लेवी, क्लैम डाउन, enjoin और स्लैप। और स्लैप देखिए यहाँ पर इस्तेमाल भी किया, एक दिन पहले भी मैंने स्लैप यहाँ पर आपको बताया था। स्लैप क्या लिखा है, स्लैप 10% कस्टम्स ड्यूटी। याद रखिएगा कस्टम्स ड्यूटी होता है, कस्टम ड्यूटी कोई वर्ड नहीं होता है। अगर आपको लिखकर आता है एग्जाम में कस्टम ड्यूटी तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, कस्टम ड्यूटी नहीं होता है, नाउन में आपकी एरर आती है कस्टम ड्यूटी से लिख के। तो कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं होता है, सही टर्म क्या होता है, कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, स्लैप का मतलब आपने देख लिया यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं रेज की, तो जानते हैं रेज के आपकी मीनिंग। रेज आपका देखो नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों ही है। जब नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो बारिश में जैसे हमारे ओले गिरते हैं तो ओलों को भी हम हेल कहते हैं, हेल स्टॉर्म कहते हैं ना ओले। ठीक है, वो होते हैं आपके स्मॉल बॉइल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन। दूसरा मतलब जैसे यहाँ लिखा है अ हेल ऑफ समथिंग, हमने क्या लिखा, अ हेल ऑफ समथिंग मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग देखते थे ना पुराना महाभारत आता था तो उसमें अर्जुन एक तीर छोड़ते थे तो वो 10-12 तीर बन जाते थे, तो उसे कहते हैं हेल ऑफ समथिंग, यानी कि लार्ज अमाउंट और नंबर अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग दैट इज एम्ड एट समबडी इन ऑर्डर टू हार्म देन, यानी कि अचानक से बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारी चीज़ों को फेंक देना। फॉर एग्जाम्पल अ हेल ऑफ अब्यूज या अ हेल ऑफ एरोज, यानी कि बड़ी संख्या में कई एक साथ कई चीज़ों को फेंक देने के सेंस में आता है। जब ये वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, टू डिस्क्राइब समबडी और समथिंग एज अ बींग वेरी गुड और स्पेशल, किसी चीज़ को बहुत अच्छे होने के सेंस में डिस्क्राइब करना। ठीक है, जैसे कि हेल, यानी कि यहाँ पर इन्होंने कहा ना कि MSME ने क्या किया, हेल किया है, यानी कि उन्होंने इस मूव को वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है, इसकी तारीफ करी है। तो हेल का मतलब यही हो जाता है किसी चीज़ को बहुत ही अच्छे डिस्क्राइब करने के सेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेडिशन वॉज वाइडली हेल्ड एज अ सक्सेस, यानी कि जो एक्सपेडिशन थी, एक्सपेडिशन मतलब होता है शॉर्ट यात्रा। ठीक है, आप लोग मीनिंग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको बता दिया है। वाइडली हेल्ड एज अ सक्सेस, यानी कि उसको डिस्क्राइब किया गया है सक्सेस के रूप में। ठीक, हेल समथिंग का मतलब क्या होता है, टू सिग्नल टू अ टैक्सी और अ बस इन ऑर्डर टू गेट द ड्राइवर टू स्टॉप। हेल समथिंग का मतलब क्या हो गया, टू सिग्नल टू अ टैक्सी और बस इन ऑर्डर टू गेट द ड्राइवर टू स्टॉप, यानी कि सिग्नल करना टैक्सी या फिर बस को रुकने के लिए। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टू हेल अ टैक्सी और कैब, एक ये मतलब हो गया। और हेल का मतलब क्या होता है, हेल समबडी का मतलब ये भी होता है टू कॉल टू समबडी इन ऑर्डर टू से हेलो टू देम, यानी कि दूर से बुलाना के सेंस में भी आता है। फॉर एग्जाम्पल अ वॉइस हेल्ड अस फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, यानी कि दूसरे साइड, स्ट्रीट के दूसरे साइड से हमारी तरफ एक आवाज आई, किसी ने हमें पुकारा। ठीक, दूसरा एक और हेल फ्रॉम का मतलब क्या होता है, हेल फ्रॉम मतलब टू कम फ्रॉम अ प्लेस, जैसे कि सोनिया गांधी हेल्स फ्रॉम इटली, यानी कि सोनिया गांधी कहाँ से आती हैं, इटली से आती हैं। ठीक है, तो ये हमारे आज के कुछ वो कैप थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने देखिए क्या लिखा है, लेइंग द बेस फॉर स्परिंग इन्वेस्टमेंट। अब स्परिंग का मतलब जानते हैं क्या होगा, देखो स्पर क्या होता है, स्पर आपका एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। ठीक, अब जब वो नाउन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो मैंने आपको एक पिक्चर लगाया हुआ है, ये जो कहते हैं इसी को कहते हैं स्पर, ये जो लगाया हुआ है ना इसको कहते हैं स्पर। अब ये इस्तेमाल कब होता है, जब हॉर्स राइडिंग अगर आपने देखा हो तो वो लोग जो ये मतलब जो बूट्स होते हैं इनके, ये लोग ये लगा लेते हैं। और इसका बस काम क्या होता है हॉर्स राइडिंग के समय, एकदम से ये लोग नीचे की तरफ झटका देते हैं, उससे घोड़े को
एनकरेजमेंट मिलता है कि वो और तेजी से दौड़े। तो ये होता है आपका स्पर, इसको कहते हैं। अब ये एक नाउन है और इसका काम क्या है, एनकरेज करना। तो जब ये वर्ब बनता है तो इसका काम क्या हो जाता है, अ फैक्ट और इवेंट दैट मेक्स यू वॉन्ट टू डू समथिंग बेटर, और वी कॉल इट मोटिवेशन। जो मोटिवेशन का काम करता है उसे हम कहते हैं स्पर। फॉर एग्जाम्पल हिज स्पीच वॉज अ पावरफुल स्पर टू एक्शन, यानी कि उसकी स्पीच जो थी वो पावरफुल स्पर थी एक्शन के लिए, यानी कि पावरफुल मोटिवेशन थी। ठीक है, और मैंने क्या बताया, वर्ब होता है तो इसका मतलब क्या होता है, टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग, किसी कार्य को करने के लिए एनकरेज करना। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करें, स्परिंग इन्वेस्टमेंट, लेइंग बेस फॉर स्परिंग इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बूस्ट देने के लिए ये जो आपका जो बेस है ये इसलिए करा गया है। तो यानी कि जो बजट है इसमें काफी कुछ ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, तो वही कह रहे हैं स्परिंग किया है, उसको मोटिवेट किया है, उसको सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो एग्जाम्पल और इसका ईडियम क्या होता है स्पर का, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ये आपने ईडियम पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर में, एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, अगर आप एमबी उठाकर देखोगे तो मिल जाएगा। एग्जाम मीनिंग क्या हो जाता है, सडनली विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब हो गया सडनली विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। ठीक है, यानी अचानक से कुछ करना। फॉर एग्जाम्पल आई फोन्ड हिम अप ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि मैंने तुरंत ही उसको फोन लगा लिया। ठीक है, तो ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ये हो जाता है। दूसरा है विन और अर्न योर स्पर्स। विन और अर्न योर स्पर्स का मतलब क्या हुआ, टू अचीव फेम और सक्सेस, सफलता को अचीव करना या पाना, उसे कहते हैं टू विन और अर्न योर स्पर्स। ठीक, ये हो गया। इसके अलावा यहां पर इन्होंने एक और टर्म था यहां पर लिखा है, कह रहा स्ल्यू ऑफ स्टेप्स टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए देयर इज स्ल्यू ऑफ स्टेप्स। तो स्ल्यू का मतलब क्या हो जाता है, स्ल्यू इज अ नाउन, मतलब हो जाता है लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, किसी चीज की लार्ज नंबर ऑफ समथिंग होना, किसी चीज की बड़ी संख्या में कुछ होने के सेंस में आता है आपका स्ल्यू। ठीक है, तो स्ल्यू का मतलब हो गया लार्ज नंबर ऑफ समथिंग। ठीक, तो कह रहे बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जो कि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे। ठीक, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपकी कवर करी, आप लोग एडिटोरियल भी पढ़िएगा जिससे आपको थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। वोकैबुलरी के लिए मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पर कवर कर दिया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम से कम 50 वर्ड्स आपको मैं डेली बता देता हूँ, एंड इतना आपके लिए काफ़ी है। इसको आप लोग सुबह जब आप वीडियो देखा करिए, उसके बाद रात में जब मैं पीडीएफ तो अपलोड कर ही देता हूँ, रात में उस पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लिया करो, और सुबह उठ के उस पीडीएफ को एक बार फिर से रिवाइज कर लिया करो। ठीक है, और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ डू कॉमेंट दैट आपको ये वीडियो पसंद आया। आप करिएगा चाहे ना करिएगा, लेकिन आप लोग ये जरूर बताइएगा कि आपने सेशन अटेंड किया है, तो बस कमेंट सेक्शन में लिख दिएगा यस अटेंडेड। ठीक है, तो बस इतना लिख दीजिएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो जस्ट डू राइट इन द कमेंट सेक्शन अटेंडेड। ठीक है, तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि है अमन त्रिवेदी। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को चाहते हैं जिसमें मैं ये सारा टेक्स्ट आपको लिख कर दे देता हूँ, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, और टेलीग्राम पर सर्च कीजिए @AmanTrivedi। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकते हो, ब्लॉग पे amantrivedi.com आपको बस ओपन करना है, आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स कीप इट टिल हियर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल है संडे, तो कल देखिए कोई भी आपका वीडियो नहीं आएगा, कल संडे है तो कल कोई भी वीडियो नहीं आएगा, लेकिन ब्लॉग पर मैं आपको जितना भी हमारा इस वीक का वोकैब रहा है तो इसका मैं कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, यानी कि जो पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है बट एक कंबाइंड पीडीएफ मैं आप लोगों को ब्लॉग पर दे दूंगा, ऑन माय ब्लॉग दैट इज amantrivedi.com, और टेलीग्राम पर भी मैं डाल दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर मैं असाइनमेंट भी दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें वहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप कल जो है वीक का हमारा 1 से लेकर 6 दिन, जितना भी 6 तारीख तक का जितना भी पीडीएफ आया है, सारा का सारा मैं एक कंबाइन करके आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।